नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों IRCTC की स्प्लिट की डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपके लिए एक चीज़ बताऊं तो अभी जो डेट निकल के आई है इसके बारे में मैं आपको आज से 4 दिन पहले बता चुका हूं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों, तो अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर के 4 दिन पीछे के रिकॉर्ड डेट की आपके लिए वीडियो मिल जाएगी स्प्लिट की डेट की, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको डेट पता लग जाएगी। वहां पर मैंने आपको बताया था 28 अक्टूबर इसकी डेट हो सकती है, और वहीं आपके लिए अनाउंस होते हुए दिख गई आज 29 अक्टूबर। तो अभी 29 अक्टूबर के दिन स्टॉक स्प्लिट आपके लिए अनाउंस हो चुका है। अब यहां पर सवाल यह भी है कि देखिए, मेरे पास कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मैंने आपको ये डेट बता दी, बस एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें आप गैस कर सकते हैं कब क्यों और कैसे। अभी अगर हम बात करें कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में आज 2.5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो देखिए ये बहुत कॉमन है और ये चीज़ आपको कई वीडियो पहले से भी मैं बताते आ रहा हूँ, कई दिनों से बताते आ रहा हूँ कि स्टॉक में ये सारी चीज़ें कॉमन है। अभी अगर स्टॉक की हम बात करें तो एक 3600 का सपोर्ट है और सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3550 रुपये और 3500 का। इन सपोर्ट्स के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तब जरूर आप यहां पर 3200 के लेवल देख सकते हैं, अदरवाइज यहां जाने की अभी उम्मीद नहीं है। अब रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है और आपको एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों 4000 के ऊपर का लेवल तो ये पहले ही आपको दिखा चुका है, अभी 4500 रुपये का टारगेट है। अब बहुत से लोग ये भी सोचेंगे क्योंकि लॉस हो रहा होगा, 4000 के लेवल पे खरीद रखा है तो क्या करना चाहिए। देखिए आप इस स्टॉक को बेचे ना, गलती से भी होल्ड कीजिए इसको, बहुत अच्छा स्टॉक है और सिर्फ स्प्लिट की वजह से या फिर डिविडेंड की वजह से या बोनस शेयर की वजह से कभी भी आपको कोई सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। आपको अगर खरीदना चाहिए तो उसके फंडामेंटल्स और कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में जानकारी रखने के बाद ही उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो फिलहाल अभी सबसे बड़ा सवाल यही था, स्प्लिट की डेट क्या होगी, तो आपको पता लग गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।